बेटा, अगर मेरे नए YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे जो कि जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर में जो भर्ती निकली थी और उसमें जो चार्ट में लिखा था कि 8 मई को भाई आपको स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स को वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। उस दिन आपका फिजिकल होगा, जो आपकी 1600 मीटर होती है वो होगा। उस दिन आपको रिपोर्टिंग किस डेट को करनी है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये ओनली स्पोर्ट्समैन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है। सिलेक्शन वाले बेशक से इस वीडियो को ना देखें। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस दिन जाना है जैक राइफल सेंटर में, नोट कर लेना भाई। और फिर बाद में मुझे ये मत कहना कि सर आपने फेक न्यूज़ दी थी, उस दिन तो रनिंग थी। तो ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल कब होंगे, किस डेट को आपके ट्रायल वालों को रिपोर्टिंग करनी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देख लेना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड वाले बटन को दबा के। और अब इस वीडियो में एम रखते हैं 50 लाइक का, तो प्लीज़ 50 लाइक दे देना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे मेरे से बहुत बंदे ये पूछते हैं कि भाई इस सेंटर पे भर्ती कब है, उस सेंटर पे भर्ती कब है। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं किसी का रिप्लाई नहीं दूँगा। मैं बस उनका रिप्लाई दूँगा जो किसी की प्रॉब्लम हो, एज में किसी फादर नेम में मिस्टेक या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, उन्हीं का रिप्लाई दूंगा। मैं किसी का ऐसा रिप्लाई नहीं दूंगा कि भाई मुझे ये बताओ भर्ती कब आएगी। वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, वहाँ पे देखिए वीडियो, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि भाई इतने बड़े हो गए और आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए तो आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मैं रिप्लाई बस उनका दूंगा जिनकी मुझे लगता है कि हाँ इनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसे मैं बता सकता हूँ। भर्ती के बारे में पूछोगे तो मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जैक राइफल का ये वो है, थोड़ा ब्लर है, मैं आपको बता दूँ। बट ये पूरा यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा फुल है मेरे पास। जो दूसरा क्लियर वाला था वो हाफ था, यहाँ तक जो कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ तक था वो, तो आप यहीं तक पढ़ रहे थे सभी को। पर बट मैं आपको इसमें नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि बहुत से कैंडिडेट्सों ने ये पढ़ा नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लिखा है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स कोटा एनरोलमेंट शुड रिपोर्ट टू दिस रेजिमेंट सेंटर बिटवीन 27 अप्रैल 2020 टू 2 मई 2020 फॉर स्किल टेस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव गेम्स। मतलब जो भी आपके रिस्पेक्टिव जो भी आप गेम खेलते हो वो आपको रिपोर्टिंग करनी है, 27 अप्रैल 2020 को रिपोर्टिंग करनी है, जो कि 2 मई तक चलेंगे, 27 से 2 मई के बीच में चलेगी स्पोर्ट्स के ट्रायल्स। और ठीक है, और जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपकी 8 मई को स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स वालों को बुलाया जा रहा है वो भाई ओनली वहाँ पे आपकी रनिंग होगी 8 मई को। ठीक है, इस दिन आपके ट्रायल होंगे, यहाँ पे जहाँ पे नोट्स है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके ओनली ट्रायल्स होंगे, 27 अप्रैल से स्टार्ट होंगे ट्रायल्स और 2 मई तक चलेंगे। ठीक है, आप सुन लीजिए, 27 अप्रैल को आपको वहाँ पे पूछ जाना है 5:30 बजे। ठीक है, और आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन, और उस दिन ही आपके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, 2 मई तक चलेंगे। ठीक है, आपने ये सुन लिया। और मैं आपको फिर से बता दूं, 8 मई को आपका फिजिकल होगा, वहाँ पे आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की 8 मई को। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये छोटी सी अपडेट मुझे देनी थी क्योंकि बहुत से बंदे कंफ्यूज थे, मुझे कमेंट भी कर रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे कि भाई उस दिन रनिंग होगी या ट्रायल होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, 2 मई तक आपके ट्रायल चलेंगे, 27 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होंगे, 2 मई तक चलेंगे। अगर दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, एम रखा 50 लाइक का। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो और पर्सनल कमेंट भी कर सकते हो। भाई मैं आपको बता दूँ, कोई भी भर्ती के बारे में ना पूछें, ओनली अपनी पर्सनल जो भी आपकी क्वेरी हैं वही पूछ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।